वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मनुष्य का जन्म उपलब्धि नहीं है, मनुष्य जन्म से उपलब्धि हो सकती है, या मनुष्य जन्म भी एक उपलब्धि है पर ये अंतिम उपलब्धि नहीं है। मनुष्य जीवन उपलब्ध होने के बाद हमको और कुछ अभी उपलब्ध करना है, पाना है, और जब तक हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करते तब तक जीवन का अधूरापन नहीं मिटता। यों तो जिंदगी कुछ सुख में बीतती भी है, यदि जिंदगी में बिल्कुल सुख न रहे तो हम आत्महत्या कर लें। सुख न रहे, सुख की आशा न रहे, कभी कभी दुख आता है तो ये आशा रहती है कि दुख चला जाएगा, सुख आ जाएगा, गरीबी चली जाएगी, धनवान हो जाएंगे। हर हानि के बाद संभावना रहती है ठीक होने की, तो समय कट जाता है, ठीक कट जाता है, और ठीक कट जाना चाहिए। फिर बताऊं, जिनके जीवन में सफलता की कोई आशा नहीं रहती वो निराशा में डूबकर आत्महत्या कर लेते हैं। अभी अभी थोड़े दिन पहले दिल्ली में एक महिला ने आत्महत्या कर ली। उसके पहले भी दिल्ली में उधर ही एक महिला ने जहर खा के आत्महत्या कर ली। उसी एरिया में कुछ दिन पहले रेल की पटरी से कटकर किसी महिला ने आत्महत्या कर ली। कई युवक आत्महत्या कर लेते हैं। कोई हमको लत पड़ जाए, उसको हमें पाने की छूट ना हो, तब भी हम अपने को मार लेते हैं। कई बच्चे उनकी आजादी में बाधा डालने से आत्महत्या कर लेते। अभिप्राय है जीवन पाना पर्याप्त नहीं है, जीवन जो मिला है एक समस्या है। मान लीजिए जितने तरह के जीव इस दुनिया में हैं, मान लेना है। अभी मुझे समझाने के लिए एक उदाहरण देता, मनुष्य हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, पशुओं में गाय है, भैंस है, घोड़े हैं। मान लो अभी हम अभी विदेश गए तो कई जीव वहाँ देखे जो भारत में नहीं है, और जहाँ हम गए हैं और दूसरे देश भी हैं जहाँ हम नहीं गए, वहाँ भी हो सकता है ऐसे जीव होंगे जो अमेरिका में नहीं होंगे, बहुत जीव अन्य लोकों में होंगे, या यूं मान के चलो
कि अभी कई जीव दुनिया में हुए ही नहीं हैं, हो सकते हैं हो जाएं। अब कल्पना करो जो जीव अभी नहीं हैं, अभी इस संसार में जो जीव पैदा नहीं हुए, तो उनको अभी क्या तकलीफ है। पर यदि वो पैदा हो जाएंगे तो जो मुसीबत सबकी है उनकी भी होगी। वो जीव है ही नहीं अभी, तो जो जीव नहीं है उन्हें भूख नहीं, प्यास नहीं, लाभ नहीं, हानि नहीं, मेरा नहीं, तेरा नहीं, दुख नहीं, कोई जरूरत नहीं पूर्ति करने का प्रश्न ही नहीं, जैसे उनका अस्तित्व ही नहीं। और ये बात समझना है तो थोड़ा अंदाज लगाने के लिए भगवान ने सिंपल नमूना हमें दिया है, और वो नमूना है गहरी नींद। गहरी नींद में जब तुम्हें अपने होने की ही खबर नहीं थी, जब मुझे अपने होने का ही पता नहीं था तो देह होने का भी कैसे हो। देह का पता तब चले जब मैं हूं, जग जाऊं। आपको इस देह का पता कब चलता है बोलो, जब जागे होते हो। गहरी नींद में तो गुड़गावा का, अपने देह का, अपने परिवार का, छोड़ो परिवार को, आप कभी पापी हो, पुण्यात्मा हो, गरीब हो कि अमीर हो, किसी तरह की कोई ग्लानी, कोई कुंठ ही नहीं होती। बड़े से बड़े साधु को भी कभी कभी कोई गलती याद आ जाती है तो कचोटती है कि हमसे क्यों हो गई, नहीं आज हम क्या होते। दावे से कहते कि हमने जिंदगी में कोई गलती नहीं, पर यदि कोई गलती हो जाती है तो कचोटती है। पर गहरी नींद में कोई अपनी गलती का भी स्मरण नहीं आता कि हमने चोरी की है, कि चरित्रहीन है, कि कोढ़ी है। अब कई कोढ़ों में तो शरीर में तकलीफ होती है, पर एक आध कोढ़ है कि तकलीफ कोई नहीं होती, पे सबसे ज्यादा उसी में शर्म लगती। वो जो सफेद वाला है ना, सफेद वाला, सफेद कुष्ठ से किसी और को भी हानि नहीं। कई कुष्ठ ऐसे हैं जो दूसरे को भी नुकसान पहुंचाते हैं, छुआछूत के होते हैं, पर ये सफेद वाला छुआछूत का भी नहीं होता। अब जिसको होता है उसको तो शर्म लगती होगी, दूसरों को भी देख के वो व्यक्ति अजीब सा लगता है, उसे हानि कोई नहीं है। पर गहरी नींद में जरा ध्यान दो, तुम साइंटिस्ट नहीं हो, तुम नई दुनिया की खोज नहीं कर सकते, कोई वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं कर सकते, पर जरा ये तो देखो गहरी नींद में एक भी दुख की याद बताओ, एक भी। लड़का नहीं था, शादी नहीं हुई थी, गरीब हैं, हमसे बड़ी बड़ी भूलें हुई हैं, एक भी दुख गहरी नींद में नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि दुखी होने के लिए पहले मुझे अपने होने का ख्याल आना चाहिए। होऊंगा मैं, होऊंगा तभी दुखी होऊंगा। जैसे रस्सी में सांप देखने के लिए थोड़ा थोड़ा रस्सी, अधूरी लंबाई चौड़ाई थोड़ी दिखनी चाहिए। यदि जरा भी रस्सी न दिखे तो सांप की लंबाई कैसे दिखेगी? कितना लंबा सांप होगा? 10 फीट की रस्सी, 5 फीट का सांप, बोलो। अच्छा 2 इंच की या 4 इंच की रस्सी
और 5 फुट का सांप दिखेगा? सांप दिखने के लिए रस्सी का सांप दिखने के लिए रस्सी का होना जरूरी है और थोड़ा थोड़ा दिखना जरूरी है, पूरी नहीं। यदि पूरी दिख जाए तो भी सांप नहीं दिख सकता, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल ना दिखे, बिल्कुल बहुत अंधेरा हो जाए तो दिखेगा, फिर कुछ भी ना दिखेगा, सांप नहीं कुछ भी नहीं दिखेगा। तो जिस समय आपको मैं ही नहीं दिखता, जितनी देर आपको अपनी मैं ही नहीं दिखती, उस घोर अज्ञान में मैं आदमी हूं, मैं मर जाऊंगा, क्योंकि विपरीत ज्ञान के लिए रस्सी का सांप देखने के लिए थोड़ी रस्सी का दिखना जरूरी है, साफ साफ नहीं, धुंधला। अभी आप धुंधले मैं हैं, इस धुंधले मैं के कारण जो आप नहीं है वो भी अपने को देख रहे हो। जो आप नहीं हो सचमुच, जो अभी आप देख रहे हो ना, ये सत्य नहीं है, ये झूठ है, ये स्वप्न है, ये विपरीत धारणा है। वो समझ नहीं आता आपको, इसीलिए जितनी देर तक मैं नहीं आएगी आप देह नहीं हो सकते, मैं नहीं आई उतनी देर दुखी पापी नहीं हो सकते, उतनी देर आपको कोई कमी का ख्याल ही नहीं आएगा। क्योंकि कमी किसको होगी, मुझे, पहले मैं तो हूं। जितनी देर मेरे अंदर मैं नहीं आई, मेरे अंदर रस्सी का है पना, रस्सी का रस्सी, रस्सी के दो हिस्से हैं, लंबाई थोड़ी चौड़ाई और रस्सी की ऐंठन, रस्सी के रोवे, यदि सब दिख जाएं तो फिर सांप नहीं दिखे। और तो और, रस्सी का सांप जरा ज्यादा झंझट का लगता है। और ऐसी बात बताएं जिसको सोचने में आसानी हो जाए, वो रस्सी का सांप तो बिल्कुल भ्रम है। पर एक चीज और बताएं जो भ्रम भी है नहीं भी है, भ्रम भी है नहीं भी है। देखो ये क्या है, बोलो, कपड़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं। अब देखो ये क्या है, गांठ है, देखो ये बात है ना, ये भ्रम तो नहीं है, ये भ्रम नहीं है, ये रस्सी में सांप की तरह अंधेरे में नहीं बना, जरा ध्यान रखना, अंधेरे में नहीं बना, अज्ञान से नहीं बना, ये तो बनाया गया है, हमने गांठ लगाई है, इसलिए ये झूठ नहीं है। रस्सी का सांप तो ठीक है, रस्सी में सांप भ्रम है। अब जरा यहां देखिए, ये भ्रम भी है नहीं भी है, ये सत्य भी है नहीं भी है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं ऐसी इस जगत को का है सत्य, ये गोस्वामी जी का है, इस जगत को, इस सृष्टि को का है सत्य, कोई सत्य कहता है, और झूठ का है कोई इसे झूठ कहता है, झूठ कहे कोई। और तीसरे, जुगल प्रबल करिमाने, कोई कोई दोनों कहते हैं, जुगल प्रबल, सत्य भी है अर्थात है भी और नहीं भी है। जुगल प्रबल कर माने, पर तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम शो आपन पहचाने, यह तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो साचो पहचाने, जो साचो पहचाने। अब देखो, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम सो
साचो सो आपन पहचाने, सो साचो पहचाने। और ये भी कह सकते हो, तुलसीदास परिहरे तीन भ्रम जो आपन पहचाने। तीन भ्रम वही हटाएगा जो अपने को पहचाने, अपने को नहीं पहचाने तो भ्रम नहीं जाएगा। जैसा नवें गुरुजी ने कहा, बाहर भीतर एक को जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीने, मिटे ना भ्रम की काई। कुछ लोग कहेंगे भ्रम मिटे तो आपको पहचानेंगे, कोई कहेंगे आपको पहचानो तो भ्रम मिटेगा। अच्छा, सांप मिटे तब रस्सी पहचानी जाएगी कि रस्सी पहचानी जाए तो सांप मिटेगा? सांप तो गहरे अंधेरे में भी मिट गया था, पर भ्रम नहीं मिटे। संसार तो गहरी नींद में भी खो गया था, जिसका ना खोया हो हाथ उठाए। जैसे उतनी देर को सांप खो जाता है बिना ज्ञान के, खूब अंधेरा हो जाए तो सांप खो जाता है, ऐसे ही गहरी नींद आ जाए तो जगत का अनुभव खो जाता है। तो जगत के अनुभव के खोने से सत्य नहीं मिलता, पर सत्य मिल जाए तो जगत खो जाता है। इसलिए जे ही जाने जग जाए हेराई, जागे यथा स्वप्न भ्रम जाए। झूठो सत्य, झूठ भी तब तक सच्चा लगता है झूठो सत्य। जाहि बिन जाने, जिस परमात्मा के जाने बिना जगत नंबर एक का सत्य लगता है, परम सत्य लगता है, रियल लगता है। जिसके बिना जाने झूठो सत्य, झूठ भी सत्य लगता है झूठो सत्य। जाहि बिन जाने, जिसके बिना जाने, कैसे? उदाहरण दिया, झूठो सत्य जाहि बिन जाने, जिमि भुजंग बिन रजु पहचाने। जैसे बिना रस्सी पहचाने सांप, ऐसे ही जिसके बिना पहचाने जगत सत्य लगता है। यहां नाम नहीं लिया गोस्वामी जी ने, झूठो सत्य, झूठ भी सच्चा लगता है जिसके बिना जाने। जैसे रस्सी के बिना जाने सांप सच्चा लगता है, ऐसे ही कहते हैं जिसके बिना जाने जागे बिना जैसे स्वप्न सच लगता है, जागने पर जगत सच लगता है। ये आपको कब सच्चा लगा? जागने पर। स्वप्न में क्या सच्चा लगता था? जो उस समय दिखता था। यदि न जगते तो एक तरीका आप बताओ, न जगते तो वो कैसे झूठा होता? और कोई साइंस, और कोई विधि बताओ कि सपना से जागे ना और वो झूठे लगे। ये एक बड़ा ही वैज्ञानिक सत्य है कि लोअर ट्रुथ, नीची इस कोटि का सत्य ऊंची कोटि के सत्य मिलने से खो जाता है। यदि ये जगत ना मिलता, अच्छा जग जाओ तो क्या होगा? यदि आपको ये सत्य ना मिले तो स्वप्न नहीं जा सकता। स्वप्नों के झूठे होने के लिए इस जगत का ज्ञान जरूरी है। प्रातिभासिक जगत को हटाने के लिए
व्यवहारिक जगत को जानना पड़ता है, और व्यवहारिक जगत को खत्म करने के लिए पारमार्थिक जगत, पारमार्थिक सत्य, परम सत्य को जानना पड़ता है। ये सत्य है, परम सत्य नहीं है। तो अब देखो, आ जाओ, ये सत्य है, बोलो ये गांठ है कि नहीं? अच्छा नहीं है तो फिर बताओ, नहीं है ना? अच्छा कितनी है? तीन है। इसका मतलब चार क्यों नहीं कहा? यदि झूठी गिनती कर सकते हो, न होने वाली गांठें भी आप गिन सकते हो, न होने पर भी यदि तुम्हें दिखती तो चार भी तो दिख सकती थी, तीन ही क्यों दिखती है? इसका मतलब गांठ जरूर है, नहीं तो तीन नहीं दिखनी चाहिए। दो दिखती, एक दिखती, या फिर एको न दिखती, या फिर ज्यादा दिख जाती। इसका मतलब ये हैं। अब दूसरी बात देखो, ये हैं लेकिन जितना कपड़ा सत्य है, जितना, हमको नाप नहीं बताएंगे, जितना जितना कपड़ा सत्य है उतने समय तक गांठ सत्य नहीं। अब कितनी रह गई, बोलो? दो रह गई। कपड़ा कितना रह गया? कितना कम हुआ कपड़ा? क्या कम हुआ? गांठ। अब कितनी रह गई? एक रह गई। अच्छा अच्छा एक रह गई। अब एक गांठ रह गई और एक और है जो रह गया, एक कपड़ा रह गया और एक गांठ रह गई। दोनों बराबर सत्य है ना? अच्छा अब गांठ को कितनी कहोगे? एक। इसलिए लोग ईश्वर को भी एक कहते हैं, ईश्वर भी एक है, लेकिन वेदांती कहते हैं सत्य नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, वेदांती कहते हैं ईश्वर भी परम सत्य नहीं। आपने नहीं सुना? साधुओं के बीच जाओ तो पता चलेगा। एक बाबा हमसे पूछता है कि ब्रह्म क्या है, तो अपन ने बोल दिया, लेकिन फिर परब्रह्म क्या है? आखिर परब्रह्म है शब्द की नहीं? अच्छा यदि ये सत्य है तो फिर परम सत्य क्या है? यदि गांठ सत्य है तो गांठ से ज्यादा सत्य कौन है? और यदि गांठ से ज्यादा कोई सत्य है तो गांठ कम सत्य है? अब देखो, ये सत्य कितना कम हो गया? तो जो सत्य लगता था हमारे लिए वो अब नहीं रहा, लेकिन एक सत्य तब भी बच गया। तो अभी आप देखो, अभी आप जो कुछ अपने को देखते हैं, तो कपड़े की बात गई, तुम अभी जो कुछ अपने को देखते हो, अभी तो गांठ देख रहे थे ना, और गांठ देख रहे थे, और आप समझदार ना भी हो तब भी आप यहां कपड़ा भी देख रहे हो। आपने अभी तक असत्य ही असत्य देखा है, अभी तक आपने सृष्टि 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 ही देखी है। देखी है नहीं? परमात्मा भी देखा है? लो हाँ, मैं देखो आपकी नाक नूक नहीं काटता, एक बात जरूर पूछता रहता हूं, टटोलता रहता हूं कि ऐसा व्यक्ति जो ये कहे कि मैं परमात्मा को भी जानता, जो जो क्षणिक सत्य है उसे गांठ कहते हैं, जो
सदा सत्य है, सदा फिलहाल समझाने के लिए ये कपड़ा है, ये दोनों तुम्हें दिखते हैं, और यहाँ जगत सत्य है ये दिखता है, इसकी तुम्हें पहचान भी है। इनके अलग अलग नाम हैं, जैसे अभी मैंने कहा था गांठें बनाई, बड़ी गांठ थी, छोटी गांठ थी। हाँ, ये सृष्टि, ये सृष्टि 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 सबको दिखती है, ये अकेला परमात्मा जिससे सृष्टि हुई है, जिसमें सृष्टि रहती है, जिसमें सृष्टि खत्म हो जाती है, वो सत्य किसी को दिखे ही नहीं। आपको दिखा है ना? अब देखो, आपको नहीं दिखा, आप अपने गुरुजी से पूछना। कई बच्चे मेरे से भी पूछते हैं, कई लोग सभा के बाद पूछते हैं, कई बार तो सभा में पूछते हैं कि आपको भगवान दिख गया है, तो मैं कहता हूं एक अर्थ में दिख गया है, एक अर्थ में कभी दिखता ही नहीं, तो दिख कैसे जाए। हाँ, दिख गया है ये बात भी है, क्योंकि यदि वो नहीं दिखा तो तुम में और हम में कोई फर्क नहीं। जैसा तुम भगवान को सिर्फ सुना ही सुना है ना, भगवान मिला भी है नहीं, जैसे पारस पत्थरी सुनी है कि देखी भी है, बोलो। पारस पत्थर जो लोहे में छुआने से सोना बनता है, हमने सुना है देखो, पर हमने देखा नहीं, हमने देखा नहीं, देखो हम साफ कहते हैं, पर जगत हमने देखा है, और हमने जगत के आश्रय परमात्मा को भी देखा है, इसीलिए हम परमात्मा का प्रचार करते हैं, और कोई शक नहीं। पर जैसे सब कुछ देखा है तैसे परमात्मा को नहीं देखा, तुम्हें देखा, इन्हें देखा, सबको देखा। देखो, एक आदमी ने आंखें बनवाई डॉक्टर से, तय हुआ था कि आंखें जब ठीक बन जाएंगी तो 5,000 रुपया लेंगे, उसने भी कहा था देंगे। आंखें बन गई तो डॉक्टर ने अपने 5,000 मांगे, तो कहे डॉक्टर साहब क्या सबूत है कि मेरी आंखें बन गई? तो डॉक्टर भी बड़ा बुद्धिमान था, कहता है हाँ मेरे पास सबूत तो कोई नहीं है कि आंख बन गई, पर जब सबूत मिल जाएगा तब मैं अपने से रुपया ले लूंगा। वो बातों बातों में उलझा के, जैसे वकील करते हैं, और बातें करता रहा डॉक्टर, और थोड़ी देर बाद कहता है कि आप देखो ये मंदिर है ना, कहने लगे हाँ, कहने कैसे कलर की मूर्ति है, कहने लगे सफेद, कहने मुकुट किस रंग का है, कहने थोड़ा लाल लाल है, माला कैसी है, कहें बिल्कुल लाल है, कहीं ड्रेस थोड़ी दूसरे रंग की है। तो वो कह रहा था कि आंखें मुझे दिखती ही नहीं है, आपको अपनी आंखें दिखती हैं? बोलो, जब आंखें दिखती ही नहीं है तो आंखों के होने का सबूत क्या है? वो कह रहा है बीमार, मैंने अभी अपनी आंखें ही नहीं देखी, आपने तो देखी। बोलो, आपने अपनी आंखें नहीं देखी,
तो वो पेशेंट कहता है मैंने अपनी आंख नहीं देखी, डॉक्टर साहब बने कि नहीं। तो डॉक्टर साहब ने सब पूछ के कहा कि अच्छा ये बताओ इसका कलर कैसे दिखा तुमको, तो आंख तो नहीं दिखी पर कलर दिखा। बस एक ही आधार है कि बिना आंख के कलर नहीं दिख सकता। आंख देखी नहीं पर आंख है आपके, है कि नहीं बोलो, है। क्या सबूत है? भाई आपकी ठीक आंखें हैं, क्या सबूत है? क्या हमें दिखाई देता है, बस यही सबूत है। आंख दिखती तो नहीं पर आंख से दिखता है। ऐसे ही स्वप्न दिखता है, जागृत दिखता है, दुख दिखता है, सुख दिखता है, चिंता दिखती है आंखों से नहीं, चिंता भी दिखती है। यदि नहीं दिखती तो आप शिकायत कर सकते हो हमें चिंता बहुत होती है। सब कुछ आंखों से ही थोड़ा दिखता है। देखो दूसरा भ्रम छोड़ दो, आंखों से दिखने को जो देखना मानता है वो महामूर्ख है। बहुत कुछ बिना आंखों से दिखता है। आप दुखी हैं, आप अशांत हैं, आप बहुत परेशान हैं, आपको पता नहीं चलता। और बहुत खुशी है आज, खुशी दिखती है आंखों से तो होती नहीं। तो जो चीज होती है उसका पता चलना यही तो दिखना है। और कितने बार हमने बताया कि लोग कहते हैं कि जरा खा के देखो, देख के देखो नहीं, कुछ चीजों को कहेंगे जरा जाके देख के आओ, वो सिर्फ आंख से। पर यदि ये चीज, ये खीर मीठी है, ये दाल में सब्जी में नमक ठीक है कि नहीं, आंख से देखो, बोलो, फिर कैसे देखो, खा के देखो फिर बताओ। तो नमक का पता चलना भी हमारी कल्चर में देखना बोलते हैं, इसलिए खा के देखो। अच्छा कोई चीज सड़ गई है तो आंख से देखेंगे, बोलो कैसे देखेंगे, सूंघ कर देखो, सूंघ कर देखो हाँ कि ये कैसी है। इसी तरह से ये गर्म है कि ठंडा है पानी, कैसे देखो, आंख से। एक महात्मा सुबह सुबह का टाइम था, ट्यूबवेल के पास ट्यूबवेल चल रहा था, उसमें भी थोड़ा थोड़ा धुआं हो रहा था, किसमें, ट्यूबवेल के पानी में, सर्दी का समय। और मेरे स्नान के लिए भक्तों ने गर्म पानी की बाल्टी भी उसी ट्यूबवेल के पास रखी थी। हमारे गुरु भाई जीवन स्वामी आए, बाल्टी का काना पकड़ा ऐसे और ऐसे पकड़ के अपने ऊपर डाल लिया, हाँफने लगे, सारा शरीर में जल्दी जल्दी दवा लगाई गई, बच तो गए पर बड़ी देर तक ऊर्ध्व श्वास चलने लगी। ओ पानी आंख से नहीं दिखा गरम, और छू के दिखता है पर फिर भी वो ऊपर का काना पकड़ लिया और ऐसे ऊपर डाल लिया। तो गरम का पता आंखों से, कानों से, वो तो पीने से या छूने से, टच करने से पता चलता है। ये जगत का पता कैसे चलता है? जगत है सिर्फ आंखों से ही चलता है कि और भी चलता है?
देखो जगत का पता कब चलता है, जब तुम जग जाते हो। जगत का पता जगत को चलता है कि तुम्हें? जगत को कुछ भी पता नहीं है, संसार को जरा भी ज्ञान नहीं है। जब तक तुम नहीं जगते तो जगत का पता नहीं, इंद्रियों का भी पता नहीं चलता। ये आंखें लगी होती हैं, आपकी नींद में आंखें लगी होती होंगी कि नहीं? उतनी देर को कहीं चली जाती हूँ घूमने, जैसे तुम्हारे बच्चे तुमको सोते छोड़कर इधर उधर चले जाते। हम छोटे में झूठ नहीं बोलते, वैशाख और जेठ के महीने में घर के लोग जब सो जाते थे ना, तो धीरे से दरवाजा खोल के खेलने चले जाते थे बच्चे बच्चे। और क्या खेल थे? गोली, ताश, छुई छुअल, कोई हजारों लाखों रुपए वाले खेल तब नहीं थे। अब तो करोड़ों करोड़ों के खेल में इनाम लगते। हम लोग तो ऐसे ही खेलते थे। और यदि माता पिता जग जाते, देख लेते नहीं है, तो फिर सेवा करते थे। पर निकल जाने की कला, नींद अपने को नहीं आती थी, धीरे से निकल जाते थे। तो जब घर के सो जाते थे तो हम निकल जाते थे, ऐसे ही जब हम सो जाते हैं तो आंखें कहीं निकल जाती हैं, कान कहीं जाते हैं, फिर ये क्यों नहीं देखती, ये क्यों नहीं सुनते? इसलिए उपनिषद, गीता ग्रंथ क्या कहते, तस्य भाषा। इसीलिए हम चुनौती देते हैं विश्व को कि अपने ग्रंथों से तुम दिखाओ, और अपने ग्रंथों से हम दिखाते हैं कि किसके लोगों ने ज्यादा सही सोचा। हम ये नहीं कि हम अपने पर गर्व नहीं करते, हम अपने उन गुरु ऋषि उन पर गर्व करते हैं कि जो हमें पढ़ के मुश्किल से समझ आया, इसको उन्होंने कैसे समझाया है, कैसे लिखा है। उन्होंने कहा तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति न तत्र सूर्यो भाति, वहां सूर्य नहीं भासता, सूर्य तो यहां भासता है। न चंद्र तारकम, न चंद्रमा और तारे, नेमा विद्युतो भांति, वहां वो आकाश में चमकने वाली और ये भी दोनों बिजली, नेमा विद्युतो भांति, ये बिजली भी उसे नहीं चमकाती, उसे न विद्युतो भांति कुतो यमग्नि, ये आग भी उसको कैसे चमकाएगी, प्रकाशित करेगी। फिर क्या है, कहते हैं ये नहीं उसे चमकाते, उसके द्वारा ये चमकते। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, आंखें उसे प्रकाशित नहीं करती, आंखें उससे प्रकाशित होती, त्वचा उससे प्रकाशित होती है, मन उसे प्रकाशित नहीं करता। आप कहोगे कहां से बोलते हो, मैं श्लोक बोलता हूं, यन मनसा न मनुते, यन मनसा न मनुते, मन से मालूम नहीं पड़ता भगवान। जानते हो भगवान किसे कहते हैं? बड़ी कथाओं का प्रचार है, कथावाचक तुमको भगवान से और दूर ले जाते हैं। भगवान तक पहुंचाते नहीं, इसलिए यन मनसा न मनुते, मन से जो महसूस नहीं होता, बल्कि मन जिससे महसूस होता है। आपको मन महसूस होता है कि नहीं? आपको होता है कि नहीं? कि हमसे पूछते हो
तो मन जिससे महसूस होता है वही को देवः परमात्मा कौन है, यो मनः साक्षी, जो मन का साक्षी है। अब आप मानते हो तो मानो। जैसे देखो एक उदाहरण दे रहा हूं, मैं आर्य समाजी नहीं हूं पर एक एग्जाम्पल देता हूं। आर्य समाज मूर्ति का खंडन करता रहा, वो असल में परमात्मा की दृष्टि से ठीक कहता है पर समाज की आवश्यकता और मनुष्य को ले चलने की दृष्टि से गलत कहता है। दोनों बातें समझ ले। आम जनता को जैसे ले जाना है, जिस तरह मनुष्य को उपासना करानी है, ध्यान कराना है, लाभान्वित करना है, उस दृष्टि से आर्य समाज की सोच गलत है। पर यदि उसने कहा परमात्मा दिखाई नहीं देता तो ठीक कहता है, क्योंकि उपनिषदों को कहां ले जाओगे। हम भी कहते हैं जो दिशे सो सकल विनाशी, जो दिखाई देता है सब नाशी है। फिर अविनाशी कौन है? देखने वाला। देखने वाला माने आंखें नहीं, यही तो चक्कर है। ये भी देखने वाली कहां है? यदि मैं ऐनक लगा लूं या दूरबीन लगा लूं, खुर्दबीन लगा लूं। एक अभी हम ह्यूस्टन से आए तो साध्वी रितंभरा की एक शिष्या है कुसुम लता व्यास, उन्होंने कुछ गुरु पूर्णिमा के नाते दीदी रितंभरा को भेंट दी। एक कागज में कुछ बंद करके दिया तो मैंने कहा भाई कोई चेक कर ले। तो वो लोग हवाई अड्डे पर एयरपोर्ट पर पूछते इसमें क्या है, इसकी पैकिंग तुमने की है, किसी और ने तो नहीं की है। तो यदि पूछ लेंगे तो मुझे ये तो बताना होगा कि हाँ मैंने की है। पूछेगा क्या है तो बिना खोले हम बता देंगे, यदि नहीं बता पाएंगे तो उसे शक होगा। तो ये तो बता दो क्या है। तो कह दिया इसमें एक मिरर है। चलो हम ले आए। जब हमने अभी रितंभरा को परसों दिया तो उन्होंने देखा, वो गोला गोला था जैसे लोग हस्तरेखा देखते। ऐसा तो मैंने बहुत देखा हस्तरेखा वाला, बड़ी बड़ी रेखाएं, पर उससे उसको अपने मुख पे ऐसे ऐसे ही लगा लो ऐसे, उससे अपना मुख दिख गया। अपना मुख जैसे शीशे में दिखता है ना, ऐसे देखना अलग है। उसमें जब देखा तो इस मुख की एक एक रेखा सिकुड़न, इतनी मुंह ऐसे एक एक रेखा दिखने लगी। अपना मुख देखना हो ना बूढ़ों को तो जरूर वो शीशा चाहिए। अच्छा अब देखो उस मिरर का कमाल देखो कि अपना मुख इतना क्लियर दिखा, लेकिन मिरर से दिखा जरूर पर दिखा किसको? आंखों, आंखों से मुझे दिखा कि मिरर को दिखा? अच्छा बताओ शीशे को दिखा या मुझे दिखा? इसलिए दिखाने का उपकरण होने पर भी वह मिरर जड़ है, दृष्टा नहीं है, चेतन नहीं। ऐसे ही मेरे अतिरिक्त न मन चेतन है, न बुद्धि चेतन है, न अहंकार चेतन है, न इंद्रियां चेतन है, न देह चेतन है। इस समय देह चेतन है कि नहीं बोलो? चेतन यदि कह दोगे नहीं तो मैं अभी गरम गरम चिमटा छिपकाऊंगा। तो है ना चेतन, लेकिन जब जलाते हो तब इसका मतलब यह सचमुच चेतन नहीं है। मेरी चैतन्यता से देह चेतन है, सचमुच इंद्रियां चेतन नहीं है।
मेरी चैतन्यता से चेतन होती हैं जब तक मैं सोया रहता हूँ, अभी मरा भी नहीं, सोया रहता हूँ तो आँख कुछ नहीं देखती, कान कुछ नहीं सुनते, मक्खी बैठी रहती है, ये उड़ाता नहीं हाथ। तो शरीर का ज्ञान किसे होता है? मुझे। इंद्रियों का ज्ञान मुझे, इंद्रियों का और इंद्रियों से। वो शीशे को भी मैं देखता हूं और शीशे से मुख को भी मैं ही देखता हूं। शीशा पहले मुझे दिखता है और शीशे से मुख भी दिखता है। आपका तो मुंह शीशा देखता है, बोलो आपका मुख शीशा देखता है क्या? शीशा आपका मुख देखता है कि आप अपने मुख शीशे से देखते हैं? आपको तो पता ही नहीं चलता आप कैसे हैं, आपका मुख कैसा है, ये शीशे को पता चलता है? बोलो, शीशे को पता चलता होता तो तुम शीशा भी ना देखते, क्योंकि वो ब्लैकमेल करता। इसीलिए जानवर के सामने आप कुकर्म कर सकते हो, पर एक बच्चे के सामने नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा बता देगा, कुत्ता जानवर नहीं बताता। आप पेड़ के सामने दुष्कर्म कर लेते हो, छिपने का क्या मतलब हुआ? कहीं छिपो, जमीन तो होगी, पलंग तो होगा, दीवारें तो होगी, उनको क्यों नहीं डरते? क्योंकि वो जानती कुछ नहीं। अभिप्राय है देह चेतन नहीं, इंद्रियां चेतन नहीं, पर तुम रहते हो तो ये चेतन हो जाता है। अब देखो एक गड़बड़ है, तुम्हारे कारण ये चेतन हुआ और इसके कारण तुम्हारे मन को परेशानी। चेतन मेरे से हुआ, पर इसके बाद यदि इसको तकलीफ देवें तो किसको होएगी? देह को, तुम्हें तो नहीं होने दो देह को। वेदांति समझाते ऐसे ही है, देह के धर्म है, देह के धर्म तुम्हें छूने लगे, तुम्हारी इंद्रियों को, इंद्रियों के धर्म, चलो इंद्रियों के, फिर मन को छूने लगे, और मन के धर्म बुद्धि को छूने लगे, और बुद्धि के धर्मों से अहंकार, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, ये अहंकार को लगने लगा। अब अहंकार यदि न रहे, ध्यान रखना, चाहे वो नींद में न रहे, चाहे समाधि में न रहे, चाहे चिंतन में न रहे, जितनी देर अहंकार नहीं रहेगा उतनी देर दुख नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, कोई दुख नहीं रहे। पर ज्ञान से अहंकार का बाध तो हो जाता है, नाश तुरंत नहीं होता। ज्ञान द्वारा अहंकार की झूठाई समझ में आ गई, अहंकार का विलय भी हो जाता है, नींद में भी हो जाता है, समाधि में भी हो जाता है, अद्वैत चिंतन में भी हो जाता है। जैसे घड़ा अपने को जब सोचने लगे कि मैं मिट्टी हूं, घड़ा हूं सोचेगा तो यहां है, और मिट्टी हूं सोचेगा तो कहां है? जरा देखो, गांठ है, ये गांठ, गांठ इसको चेतन मान लो, गांठ है और गांठ हूं, दो शब्द हैं, गांठ है तो बात बनेगी नहीं। जरा ये कहो, यहां कोई दिमाग है, ये कहता है मैं गांठ हूं, तो कहां है? यहां, बोलो, यहां गांठ है, ठीक है। अब यहां ही सोचना शुरू किया, खोला खाली नहीं की, कोई प्रकृति की जरूरत नहीं कि नींद आ जाए, जाग रहा है, होश में सोचना शुरू किया
कि गांठ है कि कपड़ा, सोचते सोचते लगा तो गांठ तो है ही नहीं, कपड़ा ही कपड़ा है, तो कितना है, कपड़ा ही कपड़ा है सब जगह, जहां गांठ है वहां और बाकी जगह भी कपड़ा, तो आप कहां हैं, यहां भी हैं, मन में भी हैं, अहंकार जहां है यहां भी आप हैं, और आप तो सब जगह हैं। ये भी बता दूं, कोई अपने ग्रंथों में भारतीय ऋषियों के अतिरिक्त बताए जिन्होंने इस अपनी आत्मा को व्यापक माना हो। इसलिए हम भारत पर गर्व करते हैं, भारतीय सोच पर गर्व करते हैं। उपनिषद कहता है जो अपनी आत्मा को अपनी माने, देखो जो गांठ अपने अपनी आत्मा को अपने अस्तित्व को सब जगह देखती है, जो गांठ जो माने सीमित, और देखती क्या है अपनी व्यापकता को, केवल यहां जो देखती है वो ज्ञानी नहीं है, यहां तो सिर्फ गांठ है पर यहां ही वो भी है जो सब जगह है, जो यहां है यहां से यहां तक जो सब जगह है वो इतनी जगह छोड़ दी है। तुम बोलना, बोलो, जो सब जगह रहता है, ऐसे ही हमारी समाज से कहते कि अरे आर्य समाजी हो, बुरा नहीं मानना, तुम आर्य समाज मंदिर में बैठकर परमात्मा की याद करते हो, यदि तुम्हारा भगवान सब जगह है तो मंदिर से तुम्हें परहेज क्यों, बता दो, क्या मंदिर को छोड़ के सब जगह रहता है? जो आर्य समाज मंदिर में है तो उनका उत्तर मुझे मालूम है, जो देंगे वो कहेंगे तुम ऐसे ही भटके हुए हो, तुम मंदिर में ही केवल भगवान समझते हो, व्यापक नहीं समझते, और हम भी यदि वहां बैठ के संध्या करेंगे तो तुम्हारा भ्रम और मजबूत हो जाएगा, इसलिए हम तुम्हें जनाना चाहते हैं कि भगवान वहां है, वहां भी है जहां मंदिर नहीं है। और हम कहेंगे, हम देखो हम क्या कहेंगे, हम ये बताना चाहते हैं कि भगवान वहां भी है जहां मंदिर है, और हमारा भगवान वहां भी है जहां शैतान है, हमारा भगवान वहां भी है जहां पृथ्वी है पहाड़ है, हमारा भगवान निराकार सब आकारों में है। फिर ध्यान दो, हम भगवान को सब में देखते हैं, और इसीलिए फिर दूसरी बात बता दू, देखो ये शिव जी की प्रतिमा है, शिव जी की है ना, और रामायण उठाकर शिव स्तुति पढ़ो, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ज्ञान स्वरूप है शिव, जड़ नहीं है, ज्ञान स्वरूपम विभुम, एक जगह नहीं सब जगह है शिव। तो श्लोक देखो, यहां मूर्ति रख के हम श्लोक क्या बोल रहे हैं, आर्य समाजी सोचते हैं हम ही भगवान को व्यापक मानते हैं, मूर्ति पूजक भी भगवान को व्यापक ही मानते हैं, और यहां तक हमारे एक जगह खड़े कृष्ण भगवान वो खुद कहते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति, एक जगह दिखाई देने वाले कृष्ण कहते हैं जो मुझे सब जगह देखता है। और देखो तुम नहीं, कृष्ण नहीं, और नहीं,
तुम में भी जो तुम में से इन तुम में से एक जगह जो बैठे देहधारी हैं इस मन में इस बुद्धि में इनमें से जो कोई अपनी आत्मा को सब जगह देखता है, अपने देह को नहीं, अप इस घड़े को सब जगह नहीं देखता। यदि कोई कहे ये घड़ा इस घड़े का आकार सब तरह का आकार है, ये घड़ा सुराही है, ये घड़ा मकान है, नहीं है, ये घड़ा है ये सुराही नहीं है, ये सुराही है घड़ा नहीं है। पर जब ये घड़ा ये कहता है सब मैं हूं सब में मैं हूं, तो घड़े में रहने वाली मिट्टी बोल रही है, घड़ा नहीं बोल रहा। इसी तरह से इस देह में रहने वाले तुम, देह नहीं, इन इंद्रियों में रहने वाले तुम, इंद्रियां नहीं, इस मन में रहने वाले तुम, मन नहीं, इस बुद्धि में रहने वाले तुम, बुद्धि नहीं, इस अहंकार में रहने वाले तुम कहाँ हो? मैं सब जगह। इस अहंकार में ये जो सुबह उठता है ये अहंकार, और इसी में रहता है चैतन्य। जो बुलबुला बना, कहीं देखना जब बुलबुला बने तो देखना ये किसमें बना, पानी के बिना? पानी नहीं है, पानी पैदा हुआ पानी मर जाएगा। ठीक इसी तरह मैं सुबह पैदा होती है, मैं कुछ देर बाद रह के खो जाती है, पर जिस चैतन्य से ये अहंकार पैदा होता है, ये जितने मैं हैं, इंडिविजुअल पर्सनल व्यक्तिगत सेपरेट सेपरेट जितने मैं हैं, इन सब मैं में एक ही मैं रहती है। भगवान ने गीता में कहा है अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, इन सब अविभक्त लोग विभक्त चैतन्यों में अविभक्त चेतन रहता है। अहंकार के कारण चेतन अलग अलग लगते हैं, चेतन अनेक नहीं एक ही है। इसलिए हम लोग वेद को क्या कहते, एको देवः, हमें लोग कहते हैं अनेक देवता मानते हैं, अनेक भगवान मानते हैं, पर वेद मंत्र क्या कहता है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, सब भूतांतरात्मा, एको देवः, एक देव है, एको देवः सर्वभूतेषु गूढः, एक आदमी में नहीं सब प्राणियों में रहता है भगवान। तो तुमको मिलता है ना, कब मिलेगा? अच्छा ये बताओ, इस जन्म से अच्छा जन्म और कभी मिलेगा? बोलो। और यदि बहुत अच्छा होगा तो कौन होगा, गधे का कुत्ते का? सबसे अच्छा जन्म कौन होगा? अलग अलग अर्थों में है, कुत्ते का जन्म बड़ा अच्छा है, गधे का जन्म बड़ा अच्छा है, कोई झंझट नहीं है। तुम ईमानदारी से देखो, जितने रोग आदमी को हैं, जितने डॉक्टर आदमी के लिए, इतना गधों के लिए नहीं। इसका मतलब गधे हमसे कम बीमार होते। क्यों? टेंशन, दुकान, जानवरों को जरूरत ही नहीं पड़ी। ये आदमी की खोपड़ी में जितनी चिंता है टेंशन है, इसीलिए आदमी परमात्मा मिल सकता है, ऐसे नहीं है। और यदि आदमी को चिंता है दुख है तो ये सौभाग्य की बात है, बुरा नहीं है। जिनको मौत का ख्याल आया उनका उद्धार हो गया, चाहे बुद्ध हैं चाहे परीक्षित हैं, जिनके जीवन में संकट दिखाई पड़ा उन्होंने सत्य को खोज लिया और मुक्त हो गए। जिनके जीवन में निश्चिंतता है कोई ले,
दुनिया में जो निश्चिंत है सबसे बड़ा मूर्ख है। दुनिया में, दुनिया से, दुनिया पाकर, शरीर पाकर, पदार्थ पाकर, पद पाकर यदि निश्चिंत है तो मैं लिख के देता हूं कि ये महामूर्ख है। मैं लिख के देता हूं। और दूसरी बात, पर मनुष्य यदि चिंतित भी है और फिर भी उपाय वही करता है जो मूर्ख लोग करते हैं तो भी वो मूर्ख है। चिंतित हो, दुख है तो उपाय वो करो जो भगवान को पाना, भगवान को खोजना ही मृत्यु का इलाज है, दुख का इलाज है, जलने से बचने का उपाय है, ईर्ष्या का, छाती जलने से बचने का उपाय है परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का सुमिरन। कब करना चाहिए? अमृत वेले। जानते हो ना अमृत वेला? प्रातःकाल। और काम सब बाद में करो, सुबह सुबह स्वाध्याय करो, पाठ करो, संध्या करो, चिंतन करो, ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म के संबंध में पढ़ो, ब्रह्म के संबंध में सोचो। मैं अभी 3 महीने अमेरिका में रहा, मेरी एक छोटी सी डायरी है, पूरी नहीं भरी, बहुत थोड़ा लिखता हूँ, लेकिन 3 महीने में कोई दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने 2 लाइनें नहीं लिखी। चिंतन किया, प्राणायाम किया, ध्यान किया, और ध्यान में जैसे कोई गोताखोर गोता लगाता है, जो मिल जाए वो लेके बाहर आ जाता है। रोज ध्यान में गोते लगाए और जो हमको हीरे जवाहरात माणिक कीमती चीज आई वो डायरी में लिख दी। एक मेरे शिष्य कह रहे थे कि दे दो इसकी फोटो स्ट्रेट में करा लूं। मैंने कहा वो मैं ही पढ़ूंगा, क्योंकि मैंने जैसे पहले बनिया वो मुड़िया भाषा लिखते थे ना, अजमेर गए पढ़ लो चाहे आज मर गए पढ़ लो। हाँ, इसी तरह से शॉर्ट हैंड, सांकेतिक लिपि, तो हमने लिखा है कि हम समझ लेंगे, और लिखा थोड़ा है, समझो जिसके 10 पेज लिखने हैं 2-3 लाइनें लिखी। जैसे ब्रह्म सूत्र है ना, वो थोड़ा लिखा है, उसका विस्तार लोग करेंगे, पर मैं अपने ब्रह्म सूत्र का विस्तार औरों पे नहीं छोड़ूंगा, आप ही कर दूंगा। जो मैंने लिखा उसको क्लियर मैं करूंगा, क्योंकि क्लियर करने वाले भी अपने ढंग से करेंगे, बड़ा मुश्किल है। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि ये जो पावन पर्व गुरु पूर्णिमा का आता है या व्यास पूजा का आता है, असल में अभी भी एक रिवाज है, जब वो कथा करते हैं तो पहले व्यास का पूजन करते हैं। जो पूज्य नहीं है, जिसके प्रति श्रद्धा नहीं है, उसकी कथा तुम्हारे अंदर उतर नहीं सकती। कम मेरी समझ में जिसकी कथा सुननी है वो भगवान से जरा भी कम नहीं होना चाहिए। और यदि वो भगवान नहीं है तो कभी भी वो सच्ची भगवान की कथा कर नहीं सकता। जो देह ही बन के बैठा है वो ना गुरु है ना वो कथाकार है, वो तो एक आदमी है, और आदमी जो भी कथा करेगा वो आदमी के ही स्तर की होगी। भगवान ही कथा कर सकते हैं भगवान की। इसलिए श्रीमद् भगवद् गीता भगवान की वाणी है, भगवान ने बोला है। भगवान देह में बैठे हैं पर भगवान बोले हैं, मन में बैठे हैं पर भगवान बोले हैं, मैं है पर भगवान है, वो आम लोगों की मैं नहीं है। इसलिए कहते हैं यो माम, जो मुझे सर्वत्र देखता है उनकी मैं। अब घड़ा कहता है जो मुझे सर्वत्र देखता है, तो जो
बोलता तो यहां से, पर सर्वत्र किसे कहता है? जो मुझे, मुझे माने मिट्टी को। भगवान कहते हैं मेरे में सारा जगत रहता है, मैं सारे जगत में रहता हूँ, मेरे एक अंश में संसार रहता है, संसार मुझसे पैदा हुआ है, मैंने पैदा किया है। ये कोई आदमी बोल सकता है? आदमी ये बोल सकता है कि मैंने पैदा किया है जगत? एक तो मूर्ख पकड़ लेता कृष्ण को। यदि कोई तर्क नहीं थी, कोई चीज नहीं थी, तो तुरंत ही पूछा जाता कि आप तो अभी पैदा हुए हो, आपके बाप को आपने पैदा किया है। कृष्ण से पूछो कि आपको आपके बाप ने पैदा किया या आपने बाप को पैदा किया, और आपके बाप का बाप कौन है? आप तो अब पैदा हुए। तो कोई आदमी की कथा नहीं है गीता। लोग यही गड़बड़ करते हैं कि हम लोग कहते हैं कि कोयल बोली, अब बोल के उड़ गई, इतने में लोगों ने जाल लगाया कि कोयल को पकड़ ले, कोयल तो उड़ गई, एक घेंगा था वो पकड़ में आ गया। तो जब बोला घेंग 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 घेंग, उनका ये क्या हो गया? जो बोली वो पकड़ में नहीं आई, पकड़ में घेंगा आया। तो जो बोलता है ब्रह्म की कथा, वो मूर्खों को दिखता ही नहीं, मूर्खों को तो देह दिखता है। आप कैसे ब्रह्म हो सकते हो? आप तो बूढ़े हो जाओगे, आप तो मर जाओगे, ब्रह्म कोई मर जाता है? यही तो मैं कहता हूं, जो मर जाता है वो ब्रह्म नहीं, जो मर जाता है वो मैं नहीं। मर जाता है देह, सो जाती है बुद्धि, मैं आज तक सोया नहीं, मैं आज तक जागा नहीं, मैं आज तक पैदा हुआ नहीं, मैं कभी मरा नहीं, मैं हूं क्या? अब भगवान कृष्ण को लोग कहते हैं भगवान नहीं हो सकते, हम नहीं मानते। तुम ना मानो, वेद तो कहता है जो अपने को सर्वत्र नहीं देखता वो अज्ञानी है। यदि कृष्ण ये ना कहते, देखो, यदि कृष्ण ये ना कहते कि सारा संसार मुझ में है, जो मुझको संसार में देखता है, सृष्टि मुझसे हुई है, तो हम कृष्ण को ज्ञानी भी ना मानते। भगवान तो जाने दो, हम ज्ञानी भी ना मानते। ज्ञानी ही ये कहता है कि सारी सृष्टि मुझसे हुई है। अष्टावक्र जनक ये अवतार तो नहीं कहलाते, वो भी कहते हैं, वो कहते हैं मई अनंत महाम्बोधौ जगत बीची स्वभावता उदेति वास्त माया तू नमे वृद्धिर नमे छदि। मुझ चैतन्य सागर में संपूर्ण सृष्टि ऐसे हुई जैसे सागर में लहरें होती हैं, रहती हैं, मिटती रहती हैं, मुझ सागर का कुछ नहीं, ऐसा मैं चैतन्य हूँ। मैं कोई मन नहीं हूँ, कोई इंद्रियां नहीं हूँ, कोई देह नहीं हूँ, मैं वो चैतन्य हूँ जिसमें सारी सृष्टि रहती है, और चैतन्य में ही सृष्टि रहती है। चैतन्य किसी का मोहताज नहीं है, इसलिए आप आत्मवेत्ता बनो, आत्मज्ञानी बनो और जीवन को धन्य बनाओ। और कोई उपाय मैं फिर बताऊं, तुम कर लो दंड बैठक, मैं करता हूं, खुद भी प्राणायाम करता हूं। मैं नहीं कहता तुम बीमार रहो, मैं ये नहीं कहता तुम धनी ना बनो, मैं ये नहीं कहता कि तुम गृहस्थ नहीं बनो, सब बनो। हमारे गुरु गृहस्थ थे, कोई सन्यासी थे? दशम गुरु जी के तो पत्नी थी, तीसरी और भी आग्रह की गई थी, मैं नादेड़ साहब और वहां सब जगह घूम के आया, लेकिन वो यही उनकी जिंदगी नहीं थी। खाना जिंदगी नहीं है, ये सब जिंदगी नहीं है, जिंदगी है सत्य का स्मरण, उसको जानो, ये काम करते रहो। काम का खंडन भगवान कृष्ण ने तीसरे अध्याय में कर्म का प्रतिपादन किया है, और साथ में क्या कहते हैं कि उसका कोई कर्म से प्रयोजन नहीं है। भगवान अपने लिए कहते हैं मुझे भी कुछ पाना नहीं है, ये कर्म का प्रयोजन ही नहीं रह जाता अपने लिए। अभी तुम्हें लगता है स्वर्ग जाने के लिए काम कर लूं, पूर्ण नाम कमाने के लिए कर लूं, जिस समय तुम्हें ज्ञान हो गया तुम्हें क्या पाना है? फिर भी कर्म करो, वर्तेव च कर्मणि, काम करते रहो, जब तक जीना तब तक सीना, शरीर रहेगा काम करते ही रहना है। एक दिन भी निठल्ले नहीं रहो, बेकार नहीं रहो,
हमारे गुरु भाई तो ऐसे करते हैं, देखो थोड़ा दिमाग कम है पर बात बड़ी मजेदार करते हैं। कहते हैं यदि आपको कोई काम ना हो तो ऐसे मैं अपना फाड़ के नहीं बताऊंगा, ऐसे कपड़ा फाड़ के कहते सियो, खाली नहीं बैठो, कोई मतलब नहीं, कपड़ा फाड़ो सियो, काम करने में मन लगता है। मैं बैठे बैठे माला बनाओ, एक एक सरदार मुझे मिले, वो सफ़ेद माला ऊन वाली बनाते ही रहते थे, अब देते रहते थे, बनाते रहते थे, देते रहते थे, हमें भी दी थी। ऐसे कोई ना कोई काम करो, काम नहीं करोगे तो चिंता करोगे, इसलिए मन को व्यर्थ नहीं छोड़ना है, अच्छे काम करते रहो, पर स्वर्ग जाने के लिए नहीं, नाम कमाने के लिए भी नहीं, इसलिए कि काम सहज है, प्राकृतिक है, कोई चुनाव नहीं है। काम तो किए बिना कोई पेड़ नहीं रहता, कोई अहंकार नहीं पेड़ को तो क्या बढ़ता नहीं, क्या फूलता नहीं, क्या फलता नहीं, क्या नहीं होता? कोई अहंकार पेड़ में नहीं है। ऐसे ही कोई लाभ नहीं, कोई हानि नहीं, परमात्मा ने एवं प्रवर्तितम चक्रम, परमात्मा ने सृष्टि चलाई है। अब पेड़ में फूल आता है, फल लग जाता है, पक जाता है, गुठली गिर जाती है, फिर उग जाता है, किसने चलाया है पेड़ को, किसने सिखाया? पेड़ की नस नस में ईश्वर ने सृष्टि चलाने की प्रक्रिया भर दी। तुम्हारे अंदर क्या है, तुम बड़े क्यों हो गए मर्जी से, जवान क्यों हो गए, तुम्हारे पेट में बच्चा कैसे बन जाता है, तुम्हारे शरीर में वीर्य क्यों बनता है, तुम बनाते हो, पागल हो? सारी सृष्टि परमात्मा चला रहे हैं, बीच में तुम मूर्खता से अपने को कर्ता मानते हो। कर्तापन का त्याग करो, सारी सृष्टि भगवान चला रहे हैं, तुमको भी, तुम्हारे शरीर को भी चला रहे हैं, और उन्हीं की योजना से बना है, बूढ़ा होता है, चलो बढ़े तो तुम अपनी योजना से हो, अब बूढ़े भी तुम अपनी योजना से होते हो ना। फिर एक में तुम राजी थे बढ़ने में, अब बढ़े भी तो लगा जैसे हमारी मर्जी से हम बढ़ रहे, अब तुम्हारी मर्जी चलती है तब बुढ़ापा नहीं पसंद, तब रोक दो। जन्मे यदि राजी से हो तो मरना भी राजी से, ये सब कुछ नहीं, अज्ञानता है दुख का कारण, और ज्ञान ही है मुक्ति, आनंद, शांति। इसलिए तमशो मा ज्योतिर्गमय, अशतो मा सद्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, ये वेद का संदेश है। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। अब ये ब्रह्मचेतना ने अपने परिश्रम से, तप से, त्याग से, मस्ती से, फक्कड़पने से बनाया था, और सबसे उसका परिवार की तरह संबंध था। अब नहीं है, कभी कभी लगता है कि यदि सोचो कि यदि अपने लिए बनाया था तो क्या है उसका, क्या मिलता है? ये अपने से भी सोचो, औरों से सोचो। बुद्ध ने औरों को ही देखा और समझ आ गई, क्या है किसी के साथ जाता है, उनके नहीं गया हमारे जाएगा ना, फिर तो जाना क्या है, रहना क्या है? इसलिए उस सत्य को समझो जिससे शांति आती है। उनके चलाया हुआ ये आश्रम, अब स्वामी सत्यानंद जी ये आत्मचेतना रहकर इसको देख रही हैं, और आप सबका इसमें सहयोग है, वो चल रहा है। तो आश्रम तो ना भी चलाए, लेकिन आश्रम चलता है तो साथ साथ कुछ होता रहता है। जब तक शरीर चलता है तो आदमी कुछ बोलेगा, समझाएगा, करेगा, नहीं है तो दूसरा कोई करेगा। सृष्टि सदा चलती रही है, उठ जाएंगे मुसाफिर सब एक एक करके, बाजी बनी रहेगी, चौसर बिछी रहेगी, संसार ऐसे ही चलता रहेगा, खिलाड़ी जाते जाएंगे, नए नए आते जाएंगे, ये शतरंज का खेल, चौपड़ का खेल चलता रहेगा। और वो सब जानते हो 84, सात खाने इधर, सात इधर, सात इधर, सात इधर, 21 चौक, सात त्रिक
21 चौक 84 खाने होते हैं और बीच में एक जगह होती। हमारे यहाँ यह तो खेल से जगत को समझाने के लिए खेल खेले, आजकल के लोग मूर्ख खेल खेलते हैं। हम लोगों के खेलों में भी अध्यात्म है कि देखो ऐसे गोट भटकती है और पौ पड़ गया है तो अंदर चली जाती है, नहीं फिर चक्कर लगाती रहती और कोई कटती है पिटती है आउट हो जाती है। ऐसे ही ना, ऐसे ही तो ये जिंदगी है, ये चौपड़ का खेल है। बन जाए तो नहीं तो चौपट है, खेल है ये। तो इस जिंदगी को समझिए। हम लोग आंख में चौनी खेलते थे, छुआ छुअल खेलते थे। छुई छुअल का हमें याद है, झूठ नहीं है। कोई दौड़ करके छूता तो पहले तो भगते थे कि वो छू ना पाए, पहला काम पूरा जी जान लगाई, पर फिर भी उसने छू लिया तो अब क्या करें, तब कैसे बचोगे कि तूने अभी हमारा कपड़ा छुआ मुझे नहीं, कपड़े को ही तुम्हारा पहले, कपड़े को छुआ मुझे नहीं, तो फिर दौड़ा उसने ये किया तो हमने कह दिया ये मेरा हाथ है मुझे नहीं छुआ। तो उन्होंने सोचा ये बोलता है, पकड़ लिया मुझे, मुंह फैलाया, मेरी जीभ पकड़ी, अब तो छू लिया तुम्हें। कहने लगा लगता है ना मैं, असल में मैं भी मैं नहीं है ये जो बोलती है, ये तो मेरे बोलने का उपकरण है। पर उन्होंने समझा जीभ पकड़ लेंगे तो मान लेंगे कि हाँ अब मुझे छू लिया। मैंने कहा अब भी मेरी जबान छुई है, वाणी छुई, मुझे नहीं छुआ। और यदि कोई मन तक भी पहुंच जाए ना, जो भी पहुंच जाते हैं, स्त्री धन पैसा कहाँ तक पहुंचता है बोलो, मन तक। कोई कहां तक पहुंचा तुम्हारे दुश्मन, कहां पहुंच जाता है मन में। तांत में कह दो ये मेरा मन है, तुम मन तक पहुंचे हो, मन को छुआ है, मुझे तुम छू ही नहीं सकते, मैं अलेप हूं, सर्वनिवासी सर्वनिवासी सदा अलेपा। ये सचमुच मैं अलेप हूं। कष्ट किसे छूता है, दुख किसे छूता है, संसार मन को छूता है, मुझे अलिप्त आत्मा को। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, और जो मन अभिमानी सदा लेप। जो मन और तन के अभिमानी हैं सदा लिप्त हैं, और जो मन के अभिमानी नहीं हैं सदा अलिप्त हैं, क्योंकि इसी तक काल कर्म पहुँचते हैं। मुझ तक न काल पहुँचता है न कर्म पहुँचता है। इसलिए संत तो गुरु तो कर्म की रेख में मेख मार देते हैं और संसारियों को तार देते हैं। इसीलिए तो ज्ञानी की परमात्मा की महिमा है कि भाई तुमने तो अभी तक तार, मुझे भी तारो तो मैं भी जानूं। तो संत तो पापियों को भी तार देते हैं। सिर्फ एक ही बात है कि इसको तुम अपना मैं मत बनाओ, इस बकरे को मैं मत बनाओ, इस मैं मत बनाओ, तुम्हें कुछ हो जाए तो बताना, तर जाओगे। ओम शांति शांति शांति।